Hello, friends. Welcome to RIA's classes. In today's session, mein we will study about the topic Types of Political Behavior. This topic is part of Unit 16 Power and Politics of the Subject Organization Theory and Behavior, MCO1 MCOM Second Year IGNOU Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की जो है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर नाउ द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज ठीक है अब जो भी पॉलिटिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो दिखता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं वो कौन कौन से दो कैटेगरी है पहला कैटेगरी हो गया आपका आ, पहला आपका कैटेगरी हो गया लेजिटिमेट और सेकेंड वन इज इलेजिटिमेट ठीक है सो द फर्स्ट कैटेगरी इज लेजिटिमेट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इलेजिटिमेट अब हम देखेंगे लेजिटिमेट पोलिटिकल बिहेवियर के बारे में ठीक है लेजिटिमेट पोलिटिकल बिहेवियर ये होता क्या है नाउ लेजिटिमेट पोलिटिकल बिहेवियर जो है इट देयर इज टू मच कंप्लायस टू द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंडिविजुअल ठीक है अब अगर बहुत ज्यादा कंप्लाई करना पड़ता है रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक है अगर ज्यादा कंप्लाई करता है जो हमारा इंडिविजुअल तो वो हमारा लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर होगा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉ को दिक्कत हो ही विल डायरेक्टली कंप्लेन टू हिज सुपरवाइजर बाय पासिंग द चेन ऑफ कमांड

जो है उसको हटाओगे सीधा चेन ऑफ कमांड की आप वैल्यू नहीं करोगे ठीक है सुपरवाइजर से बात बात पे कंप्लेट करोगे कोलेशन वगैरह बनाओगे तो ये सारी चीजें जो है लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आपका आता है ठीक है सो दिस इज योर लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर देन यू हैव द सेकेंड वन इज इन पॉलिटिकल बिहेवियर ठीक है सेकेंड वन इज इनलेजिटीमेट पॉलिटिकल बिहेवियर नाउ

या फिर वो विसिल ब्लोइंग करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है वो क्या करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं पब्लिकली ठीक है इसके अलावा वो सिम्बोलिक प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं सिख दे कॉल एंड सिख इकट्ठे एक ही डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे ग्रुप बना के बोलेंगे कि हम लोग जो है हम लोग आज काम पे नहीं आ रहे हैं ठीक है सो so, ये आपका हो गया इनलिजिटीमेट पॉलिटिकल बिहेवियर ठीक है सो so,

इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स मेक एफर्ट टू अटैक राइवल और अन वॉन्टेड पर्सन इन द ग्रुप ठीक है जो राइवल होते हैं अगर मेरे को कोई और पसंद नहीं है तो मैं उसको क्या करूंगा डायरेक्टली ब्लेम करूंगा अटैक करूंगा ठीक है सो ऑल दिस इज दिस कम्स अंडर योर अगेन इट इज टाइप ऑफ पोलिटिकल बिहेवियर

शेयर सबके साथ नहीं कर रहा बट वो अपने खाली कुछ दोस्त है उसको कुछ उसके कुछ चेले हैं, उसके कुछ चमचे लोग हैं वो खाली उनके साथ ही वो चीज़ को शेयर कर रहा है ठीक है सो दैट इज योर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी गलत चीज़ है बट वो ये इसलिए करता है कि बाकी लोग जो है उसको सपोर्ट करे और वो जो है हमेशा वो बंदा जो है वो पावर पे रहे नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन चैनल्स अगेन यहां पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ही की होता है इट इज अ वाइटल रिसोर्स नाउ इंडिविजुअल्स हु हैव द पावर मे कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ द पर्सन दे मे एनकरेज द डिजायर्ड बिहेवियर एंड डिसकेज अनडिजायर्ड बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्लीज द पावरफुल पर्सन पीपल ट्राई टू एग्जिबिट द डिजायर्ड बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन तो यहां पे क्या करते हैं कि हम जो हमें जो लोग अच्छे लगते हैं और हम क्या करते हैं ऐसा बिहेव करते हैं कि वो लोग जो हैं खुश रहें ठीक है तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जिन लोगों के साथ हमें अच्छे से बने रहना हम उसके साथ अच्छे हैं और हम उसको सामने जो है एक फेवरेबल टाइप का बिहेवियर एक डिजायर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर जो है हम उसके सामने रखते हैं और ये ऐसे वैसे किसी के सामने भी हम एक्टिंग नहीं करते हम जो पावरफुल लोग होते हैं उनके सामने हम ऐसे एक्टिंग करते सिंपल ये मस्का लगाने वाली बातें हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग कोलेशन ये क्या होता है पीपल फॉर्मिंग कोलेशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन इन ग्रुप तो लोग क्या करते हैं कोलेशन बना लेते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं ग्रुप के दूसरे लोग हैं उनको जो है हम जो है इन्फ्लुएंस कर पाए इन कोलेशन टू और मोर पीपल ज्वाइन हैंड्स टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है एक साथ एकजुट होके वो वो एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दिस इज डन टू गेन द फेवरेबल सपोर्ट और इन्फ्लुएंस द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो चीज है ये हो क्यों हो रहा है वो ये इसलिए हो रहा है ताकि हम जो है कोई भी फेवरेबल uh, कोई भी जो है हम फेवरेबल सपोर्ट हमें मिले ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में और हम जो है इन्फ्लुएंस करे डिसीजनस इन द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो दिस वन इज योर फॉर्मिंग कोल्यूशंस The next one is your cultivating network. Cultivating network क्या होता है People develop network based on variety of social relationship in the organization. ठीक है So यहाँ पे हम जो है एक network बनाने की लोग जो है क्या करते हैं एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं हम दूसरों के साथ जो है अच्छे से बात करके उनको भी अपना दोस्त बना के हम अपना ही खुद का एक नेटवर्क बनाने की क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं द तो फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क में हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग सपोर्ट अब हम क्या कर सकते हैं भाई एचआर वाले को एक को दोस्त बना लिया एक फाइनेंस वाले को दोस्त बना लिया एक सेल्स वाले को दोस्त बना लिया एक प्रोडक्शन वाले को दोस्त बना लिया एक आर एन डी टीम वाले को दोस्त बना लिया अब इससे क्या हो गया मेरा ना ने एक नेटवर्क बन गया जहां पे मेरे हर डिपार्टमेंट में दोस्त हैं। इससे क्या होगा मेरे को हर डिपार्टमेंट में जो भी अंदर चल रहा होगा जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन होगा वो मेरे को टाइमली मिलता रहेगा ठीक है दिस में ऑल्सो फेसिलिटेट पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क सिस्टम अगेन ये जो है हम जो है बस पॉलिटिक्स वगैरह अपना वो करने के लिए ही कर रहे हैं ठीक है हम जो है फेवरेबल डिसीजन ले पाएंगे जो उस नेटवर्क में हम उसके फेवर में डिसीजन ले पाएंगे नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ऑब्लीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू ऑब्लाइट समबडी ही और शी मे ऑल्सो सपोर्ट यू तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में हमने चल किसी का काम कर दिया किसी का हाथ बटा दिया तो हम जो है एक ऑब्लिगेशन बना देते हैं कि वो बंदा भी जो है जब मेरे को कोई काम आएगा तो वो बंदा जो है मेरे को हेल्प करेगा ठीक है सो दैट इज क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग इम्प्रेशन ठीक है मैनेजिंग इम्प्रेशन क्या होता है इट रिफर्स टू क्रिएटिंग फेवरेबल इमेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई मेरी इमेज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए पॉवरफुलर इन सच अर डेवलप अ फेवरेबल इमेज अबाउट अब जो पावरफुल लोग होते हैं ना वो बड़े चालू होते है वो इस तरीके से बात करते है इस तरीके से उनका स्टाइल होता है की एक ना इमेज बन जाती है लोग दूर से उसको दिखा रहे यार वो देखो सर आ रहे हैं यार वो देखो मैडम आ रही है ठीक है एक तरीके से वो जिस तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं या फिर जिस तरीके से वो ड्रेस करते हैं वो अलग से ही दिखते हैं ठीक है सो दे मे प्रोजेक्ट दमसेल्फ एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट और मे बी विजिबल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस टू अट्रैक्ट अदर अटेंशन क्या होता है ऐसे लोग जो होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए होता है जो पावरफुल होते हैं ऑलरेडी वो क्या करते हैं आप देखोगे कि कोई भी क्राइसिस आ जाए वो कूद के आएंगे वो कहेंगे अरे मुझे बताओ क्या मदद करनी है मुझे बताओ जबकि वो करेगा कुछ नहीं बस वो हाईलाइट बोल बोल के अपने आप को हाईलाइट कराता है कि मैं भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैं भाई सबकी मदद करता हूं ठीक है so, सो वो अपने आप को बस एक एक वो जो है आपको जमाना चाहते हैं सबके सामने कि मैं जो है बहुत ही ज्यादा महान बन रहा हूं ठीक है सो दीज वेर द सेवन हमने साथ देखे ये जो है सेवन कैटेगरीज है ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि हमें सजेस्ट किया है स्टीवन स्टीवन एंड मैरी एंड बॉर्न ठीक है मैरी एंड वॉन और स्टीवन ने हमको ये सात तरीके के पॉलिटिकल बिहेवियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसके सात कैटेगरीज है ये सात कैटेगरीज हमने देख ली ठीक है और पॉलिटिकल बिहेवियर ओवरऑल कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द सेकेंड वन इज इनलेजिटीमेट पॉलिटिकल बिहेवियर So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe to Diaz classes. Thank you and bye bye.